चूरे पीस, लेकिन गर्म रोटी को ही हो जाएंगे। अच्छा, ये ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हमें इसमें शुगर पाउडर ऐड करना है, जो ऐसी शेप देंगे। देख सकते हो तोशे का फाइनल लुक। हमने ये रही मेरी चाय और चाय के साथ तोशा जो हमने बनाया। तो अब मैं हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। तो सुबह से मैं लैपटॉप पे ही बैठी हूँ, क्योंकि लैपटॉप में अपडेट के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो व्लॉग भी इससे एडिट करना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल इसका काम हो गया, तो अब हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल चीज़, जो आपको आगे जाके पता चलेगा कि स्पेशल चीज़ क्या है। तो फिलहाल हम करते हैं इसको बंद और हम जाते हैं किचन में। तब तक पहले तो सबसे पहले हमने आटे के 2 कप लिए। हमने इसलिए 2 कप लिए क्योंकि हम पहली बार ट्राई कर रहे थे, तो इसलिए हमने कम ही लिया। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस आटे को पानी डालना है, गूंदना है। जैसे आप लोगों को पता है घर में बनाते हो रोटियां बनाते हैं, तो वैसा ही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पानी तब तक डालना है जब तक आटा सॉफ्ट ना हो जाए, तो ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, और पानी जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। तो जो इसमें मुश्किल काम था वो हो गया। अब इसको, इस आटे को 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ना है, ढक्कन रख के हम इसको साइड में रखते हैं, तो तब तक हम बाकी काम करते हैं। तब तक हम इस चीनी को पाउडर बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो फिर दाने जैसे आएंगे उसमें तोशे में, तो इसलिए पाउडर बनाना ज़रूरी है। तो ये रहा, हमारा पाउडर रेडी हो गया। सो यहाँ पे रोटी बनाने का काम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये जो डो है ये हमने इतना बड़ा लिया, मैंने पहले ही बोला कि हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं पता है कि इसे बड़ा लेना होता है या इसे छोटा लेना होता है या इतना ही लेना होता है, तो फिलहाल हम इसी से काम चला लेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, जो रोटी है वो मोटी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जल जाएगी फिर। तो ये जो रोटी है इसको तवे पे डालना है, और इसके बाद क्या करना है, जो गैस है वो हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, लो फ्लेम पे रखना है, ताकि जो ये रोटी है ये अंदर से भी पक जाए, और अगर हम हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये रोटी जल जाएगी। तो फिलहाल हम इसको तवे पे डालते हैं। तो ये देखिए ब्राउन स्पॉट्स हो चुके हैं दोनों तरफ से। रोटी को कुक करना है और फिर छोटे छोटे पीस, लेकिन गर्म रोटी को ही हो जाएंगे। अच्छे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि हाथ ना जले, ये बहुत गर्म होती है ये रोटी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत संभल के करना होता है। ये वाला काम जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो रोटियाँ है इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, छोटे छोटे पीस होने चाहिए इसको, तब जाके हमें जो तोशा है वो अच्छा बन पाए। तो यहाँ पे पहले हमें इसको घी ऐड करना है, लेकिन ये घी बहुत गर्म होता है, यहाँ पे भी ख्याल रखना होता है हाथ ना जले। अब इसको मिक्स करना है फिर से, जितना अच्छे से आप, इसमें खाली मिक्स का काम है, जितना अच्छे से आप मिक्स कर पाओगे उतना अच्छा तोशा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें इसमें शुगर पाउडर ऐड करना है, जो हमने बनाया था इससे पहले चीनी का पाउडर। तो हम अपने हिसाब से चीनी डालेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा चीनी नहीं खाते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे, और अब इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो प्रेस कीजिए, शुक्रिया। जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स घी डाला था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो ये सॉफ्ट भी हो गया। अब हम इसको ऐसे शेप देंगे, और अब इसको पॉपी सीड्स पर रोल करना है, ताकि यहाँ पर इसका लुक जो है वो अच्छा आता है। वहाँ पे आप देख सकते हो तोशे का फाइनल लुक, हमने पहली बार बनाया और इतना अच्छा। तो ये रही मेरी चाय और चाय के साथ तोशा जो हमने बनाया। तो अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना। तो सीरियसली गाइज, मैंने पहली बार खाया और मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। और अब चाय के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।